लो भैया पढ़ने आ गए हो, पढ़ा लो। तीन भाई, ये बहन और दूसरे भाई, बहन क्या काम करते हैं? परमेश साहब आया था जो सो रहा स्कूल नहीं जाता, सो रहा रुकी है सर, एक जाता था नहीं, एक नहीं तो जाता जा हमारे बेवाड़ी मदद करा रुकी हो के पिया बोंदी हो के पालन उसमें दाड़ में कि कैसे सिरोही में सरजावा था छोटा बच्चा जो पढ़ाई के साथ साथ अपना घर भी चला रहा है, वो काम कर रहा है क्योंकि उसके फादर नहीं है और घर में तीन भाई हैं और मदर है। तो पता लगा तो पहले मैं उससे मिलने गई कि वास्तविकता में क्या है, स्थिति क्या है। तो वहाँ गई तो वाकई में देख के लगा कि समय और परिस्थितियाँ इंसान को कब बड़ा कर देती हैं और कब जिम्मेवारियाँ जिम्मेवार बना देती है। ये आज एक जीता जागता एग्जाम्पल वहाँ पर मिला। एक 8-9 साल का बच्चा वहाँ पर सिलाई का, जूते सिलाई का काम कर रहा था और इतनी अच्छी तरह से कर रहा था कि देख के लग ही नहीं रहा था कि 8 साल का बच्चा कर रहा है या 25-30 साल का एक इंसान कर रहा है। तो उससे बात करी मैंने तो बात करने से पता लगा कि उसके फादर 5 साल पहले एक्सपायर हो गए। घर में तीन भाई हैं, एक मदर है, कमाने वाला कोई है नहीं। तो दो भाई स्कूल जाने के बाद दिन में ये सब काम करते हैं। फिर उससे मैंने सरकार की योजनाओं के बारे में कि उसके किस किस योजना से उसको फ़ायदा दिलवा सकते हैं, तो वो सब बातें करने के लिए मैं उसके यहाँ उसके घर रामपुरा में आई जहाँ पर उसकी माँ रहती है। तो उनसे मैंने बात की तो पता लगा कि उनके पास पालनहार, जो बच्चे को स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको सरकार पालनहार देती है जिनके पिता नहीं होते, तो वो उस योजना से जुड़े हुए नहीं थे पता लगा। तो उनको उस योजना से जोड़ा और नरेगा के थ्रू श्रमिक विभाग से उनको मदद दिलवाने की और जो भी उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में बात हुई। तो मैंने यहाँ सरपंच साहब को बुलाया तो जो मदद करनी चाहिए वो करी। एक बड़ा भाई है, वो स्कूल नहीं जाता, उसने स्कूल छोड़ दिया। तो कारण पता लगा कि घर पे कमाने वाला कोई नहीं है, तो उसको भी प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि आप स्कूल जाओ जिससे आपका भविष्य बनेगा और आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, तो आप और अच्छे काम कर सकोगे, घर में और अच्छी खुशहाली आ सकेगी। तो उसको भी स्कूल से जोड़ा और सरकार की पालनहार योजना से जोड़ा और उसको श्रमिक विभाग की जो योजनाएं चल रही है उनसे भी जोड़ा। नहीं, उसको सरपंच साहब को मैंने बोला है कि उसको पालनहार से आप कल इनको स्कूल से जुड़वा दीजिए, जो एक फॉर्मेलिटी रहती है फॉर्म की वो पूरी करवा के आप खुद इसमें इंटरेस्ट लेके वो काम करवाइए। तो सरपंच साहब ने बोला है कि मैं ये काम मैडम तुरंत प्रभाव से करवा दूंगी। मैं कहा अगर माँ नहीं आगे आ रही है तो आप खुद वहाँ जाकर सरपंच को, पूरे विभाग को लेके वहाँ जाइए और उनका वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाइए जिससे अपन इनको एक अच्छा जीवन स्तर दे सकें और आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर सकें इनके।